मलिन बस्तियों के साथ महिला एवं पुरुष वृद्धा आश्रम पर पहुंचाई कोविड राहत किट। घर घर चौराहे चौराहे बस्ती बस्ती राहत किट बांट रही ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज शहर के प्रमुख महिला एवं पुरुष वृद्धा आश्रमों पर अपनी दवाई एवं कोविड रिलीफ किट सहायता अभियान के तहत भाप की मशीन, दवाइयाँ, मास्क, सैनिटाइजर एवं अन्य राहत किट सहायता प्रदान की। संस्था के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाजसेवी राजीव मिश्रा ने सेवार्थ वृद्धा आश्रम के बुजुर्गों महिलाओं की दशा देखकर भावुक हो गए। श्री मिश्र ने अपने आश्रम वार्डन से वादा किया कि ट्रस्ट हमेशा आपके साथ है, सभी हमारी माताएं हैं, इनको कभी भी कोई समस्या नहीं होने पाएगी। वार्डन के कहने पर कोरोना वैक्सीन की व्यवस्था करने का भी आश्वासन दिया। भूसा मंडी, साइकिल मिल, चित्रखेड़ा, बारा, काटर, गणेशपुरी आदि मलिन बस्तियों में सघनता के साथ सहायता पहुँचाई। आज के अभियान प्रबंधक में शिवम मिश्रा, आशुतोष तिवारी, राहुल तिवारी, रुद्र प्रताप सिंह, रोहन प्रकाश सिंह, राकेश भारती, सचिन मिश्रा एवं रोहित मिश्रा ने अथक प्रयास करके अभियान को गति प्रदान की। संस्था के संरक्षक ट्रस्टी डॉक्टर राकेश शुक्ल ने बताया कि 5 चैन टीमें दिन रात ज़रूरतमंदों की चैन में लगी रहती हैं, जिससे लखनऊ में कोई भी पीड़ित भूखा, संक्रमित और लाचार न रहे। ये महाअभियान तब तक अनवरत चलता रहेगा जब तक लखनऊ कोरोना मुक्त न हो जाए। ममता चैरिटेबल नारायण सेवा मानव सेवा के लिए है। पिछली लॉकडाउन में भी हमने 65 दिन लगातार अभियान चलाया था, उसमें मैंने अनाज बांटा था 2,00,000 आदमियों को, उसमें 40,000 ऑनलाइन दिया था 9455857। इस बार मैंने देखा दूसरी जब सर्दी आई तो हमने 1,00,000 कंबल लखनऊ में देने का काम किया, और तीसरी लहर जब आई तो मैंने ऑक्सीजन देने का काम किया। 12,000 व्यक्तियों को जो आइसोलेट थे उनको जो सरकार द्वारा मान्यता दवाइयाँ थी वो पहुँचाने का काम किया, उसके बाद ऑक्सीजन पहुँचाने का काम किया, ऑक्सीजन के बाद हमने 45 चौराहे को चिन्हित किया और वहाँ पे कार्यक्रम चालू किया। चौराहा मैंने 45 चौराहों पे सैनिटाइजर और मास्क देने का काम किया। फिर अब हमारा दूसरी मुहिम क्या थी कि मलिन बस्तियों में, कल से मेरी मलिन बस्तियों का कार्यक्रम हुआ, अभी मैं 5 बस्तियाँ करके आ रहा हूँ, और ये आज मैंने सोचा था वृद्धा आश्रम जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे भी बहुत बुजुर्ग हैं, वो मेरी माँ हैं, उनको भी सैनिटाइजर भाप देने वाली मशीन देना चाहिए, और उनको भी मैंने दिया। और जो भी यहाँ पे आज अपने आपको यहाँ के बताए कि यहाँ पे इनको वैक्सीन नहीं लगी, तो मैं कल इसको प्रयास करूँ, आज जिलाधिकारी से बात करके, प्रशासन से बात कर इनके लिए वैक्सीन की व्यवस्था करूँगा। ये मेरी माँ है, अगर इनको कोई तकलीफ होगी, वहाँ पे बुजुर्ग है वृद्धाश्रम में, अगर उनको कोई तकलीफ होगी तो हमको भी तकलीफ होगी, इसलिए उनके लिए सुई इंजेक्शन लगनी चाहिए, ये सब हम उसकी चिंता करेंगे।